नेपाल में सियासी उलटफेर के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड एक बार फिर वहां के प्रधानमंत्री बन गए। उनको चीन की सरकार के समर्थक बताए जाने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का साथ मिला, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की प्रचंड सरकार के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास बनी रहेगी, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री रहते हुए केपी ओली चीन की भाषा ही बोलने लगे थे। चीन ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसा लिया था कि वो खुलकर भारत के खिलाफ खड़े दिखने लगे थे। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया था कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया। इतना ही नहीं, केपी ओली ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के खिलाफ जमकर बयान दिए, और अब उन्हीं केपी ओली के साथ मिलकर प्रचंड ने सरकार बना ली है। जबकि प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को बहुमत मिला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शेर बहादुर देउबा ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। जबकि चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इससे पहले कि देउबा दोबारा पीएम का पद संभालते, केपी ओली ने प्रचंड के साथ उनकी खींचतान का फायदा उठा लिया। उन्होंने प्रचंड को समर्थन दे दिया और उनकी करीबी मानी जाने वाली नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें नेपाल का नया पीएम बना दिया। माना जा रहा है कि इसके बाद नेपाल में चीन का दखल एक बार फिर बढ़ जाएगा। और इधर एक्टर तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस का श्रद्धा मर्डर कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एक्टर शीजान मोहम्मद खान आरोपी हैं, जो 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। और खबर है कि शीजान खान ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि श्रद्धा और आफताब केस के बाद उसके मन में डर बैठ गया था और इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद पुलिस उसके इस बयान की जांच में जुट गई, क्योंकि खबर है कि पुलिस को शक है कि ये बयान मामले की जांच को गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। ये कितनी बात ये सही है ये देखना काफी अहम है, क्योंकि वेरीफाई करने का काम पुलिस का है। इस बीच तुनिशा की मां ने एक बार फिर आरोपी को सजा दिलवाने की मांग की। सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। बताया गया कि पुलिस शीजान खान के मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए शीजान के दावों की जांच कर रही है। इसके साथ ही खबर है कि पुलिस लव जिहाद एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी है। और उधर बर्फीले तूफान ने क्रिसमस पर अमेरिका में मातम फैला दिया। वहां पर करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। मुसीबत की बात यह है कि मौत का ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई लोग अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। उस पर ठंड में हजारों घरों की बत्ती भी गुल है, क्योंकि मौसम ने इतना जोरदार हमला किया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी लाचार हो गई। वहां के एक इलाके में बर्फ लिए बवंडर के जैसे तेजी से ऐसी हवा उड़ती दिखी कि इंसान ही जमकर बुत बन जाए। कार पर कार एक दूसरे पर टूटी नजर आई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर का रहा। वहाँ का मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे आइस एज लौट आई हो। हर तरफ बर्फ डेरा जमाए नजर आई। ऐसा लगा जैसे तस्वीरें अमेरिका की नहीं बल्कि अंटार्कटिका की हों। एक पेट्रोल पंप ने तो बर्फीले तूफान के आगे घुटने ही टेक दिए। बताया गया कि पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में 3.5 इंच से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है। वहीं एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिसमें फिसलन के कारण एक सड़क पर एक कार एकदम बेकाबू दिखी। सड़क पर चलते एक शख्स को किसी तरह उससे अपनी जान बचानी पड़ी और फिर वो कार दूसरी गाड़ियों से भिड़ती चली गई।